नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, हिमाचल, यह है चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। चक्रव्यूह में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो इन दिनों फिर राजनीतिक चर्चा में है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर। चुनाव जब भी आसपास होते हैं, चुनाव जब भी ख़त्म होते हैं, ईवीएम का मसला राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगता है। चुनाव बैलेट पेपर से हो, ये मांग की जाने लगती है। यही मांग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर की और कहा कि चुनाव ईवीएम पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर होने चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े घटक दल महज इसको एक राजनीतिक बहाना बता रहे हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय साफ कर दी है और कहा कि जो बैलेट पेपर वाली मांग है वो वैलिड ही नहीं है, याचिका खारिज हो चुकी है। लेकिन ईवीएम पर सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, क्या ईवीएम में कोई खामी है या ये सिर्फ चुनावी हार के बाद एक हताश प्रयास है अपनी हार को छुपाने के लिए। इन्हीं सभी सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे हमारे आज के इस चक्रव्यूह में। ये मुद्दा जानते हैं और आज चक्रव्यूह में हम ईवीएम को लेकर चर्चा क्यों कर रहे हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी ये तफसील से बयां करती इस मौजू की रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान दिवस पर मांग की कि आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, न कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से। उनका कहना है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताया जा रहा है और इसमें हो रहे संभावित गड़बड़ियों के कारण चुनाव नतीजों पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। साथ ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। महाविकास अघाड़ी के नेता का कहना है कि ईवीएम पर आरोपों को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना सबसे सही कदम होगा। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईएम छोड़ दो, हमको ईएम पीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बैलेट पेपर की मांग के बयान के बाद देश भर में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे देश को पुराने युग में ले जाना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसे चुनावी प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आती। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी को क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि जो जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है उनकी दाढ़ी में तिनका है। दुनिया आगे बढ़ रही है और खड़गे जी पीछे लेके जाना चाहते हैं। ये तो देश को पाषाण युग में लेके जाना चाहते हैं। पाषाण युग में हार जीत के फैसले पत्थरों से हुआ करते थे। खड़गे जी पीछे लेके जाने की बात कर रहे हैं। मैं एक नागरिक के तौर पर, पार्टी के सदस्य के तौर पर नहीं, आज आपके माध्यम से देश के लोगों के समक्ष रखता हूं। अगर कागज से चुनाव हो जाएगा, बैलेट से चुनाव हो जाएगा, तो उससे बीजेपी डरती क्यों है? जिसको लोगों को जिताना होगा, जिसको लोग वोट देंगे वो जीत जाएगा। तो जो जो लोग कागज से चुनाव कराने के विरोध में हैं, उनके मन में चोर है। यहाँ दाढ़ी में तिनका नहीं है, पूरी दाढ़ी में गड़बड़ है, इसीलिए यही लग रहा है। चुनावों के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप और बैलेट पेपर से चुनावों की मांग देश में कोई
नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई जगह चुनावों के परिणाम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम में गड़बड़ी का मामला उठाया था। कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। वहीं पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि कांग्रेस की ये मांग केवल तब उठती है जब उसे हार का सामना करना पड़ता है। ये उनकी हार को छिपाने के लिए किया गया एक प्रयास है। कांग्रेस से जब उनकी जीत होती है जिन प्रदेशों में, तब ईवीएम को ठीक बता देती है। जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम को खराब बता देती है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। अपने पिछले कार्यकाल के अंदर जो उन्होंने लोगों की सेवा नहीं की, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, उसमें सुधार करने की जरूरत है। ईवीएम पे दोषारोपण करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। ईवीएम पर लगे गड़बड़ी के आरोप चुनावी प्रोसेस को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, और एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में ईवीएम सुरक्षित हैं या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जायज है। हालांकि अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय साफ कर दी है। 26 नवंबर को अदालत ने बैलेट पेपर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की बेंच ने कहा कि जब चुनाव जीते जाते हैं तब ईवीएम सही होती है और हार के बाद उसमें गड़बड़ी का आरोप लगता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सवाल उठता है, क्या ईवीएम पर भरोसा बहाल हो पाएगा या बैलेट पेपर की मांगें फिर भी जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हर बार एक मुद्दा बनती है चुनावों के बाद, और यहां तक कि जो चुनाव से पहले हैं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, ये हमेशा समर्थन करते हैं। और उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वो ये कि जब हिमाचल में सरकार बने तो फिर ईवीएम खराब क्यों नहीं है, झारखंड में बने तो फिर ईवीएम खराब क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है या हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों। इसी मुद्दे को आज हम चक्रव्यूह की चर्चा में उठाने जा रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के और भाजपा के वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे, ये वादा उन्होंने हमसे किया है। लेकिन पहले रुख करते हैं अपने प्रवक्ताओं का। ललित अरोड़ा साहब, वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा के प्रवक्ता विधु रावल जी, इनेलो से अनु सूरा जी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र भाटिया जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ललित अरोड़ा साहब से हम सवाल पूछते हैं। अरोड़ा साहब, ये जो ईवीएम का मसला है, ये बार बार एक लाइन में अगर इसको समझाएं तो फिर ये है कि आप लोग लगातार मांग करते रहे हो कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के एग्जांपल भी देते हो, आप एलन मस्क का दे देते हो, लेकिन जब सरकार बन जाती है कांग्रेस की, वो चाहे हिमाचल में हो, झारखंड में हो, तब आप उस स्टेट में कुछ नहीं बोलते। महाराष्ट्र में अगर नहीं बन रही है, हरियाणा में अगर सरकार नहीं बन रही है, तो फिर ईवीएम का मसला आ जाता है। तो ये धोरा मापदंड क्यों नहीं? देखिए, आपने मुझे बोला कि मुद्दा है ईवीएम को, यानी ईवीएम टेम्पर हो सकती है, हैकिंग हो सकती है, या ईवीएम में कुछ गड़बड़ की जा सकती है, बेसिकली ये सवाल है। तो मैं ये कहता हूं कि पीपल्स राइट टू फ्री एंड फेयर वोटिंग, ये तो आप मानेंगे ना कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंद का व्यक्ति चुने, ठीक है। इस अधिकार को तो कोई छीन नहीं सकता। अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें ये लगता है कि भाई ये कोर्ट में भी चले गए, उनको भी लिख दिया, एलन मस्क की आप बात कर रहे थे, बहुत से लोगों ने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं, लेकिन हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमारे अध्यक्ष ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि इस जो हम विरोध कर रहे हैं इसको वी शैल डू इन ए बिल्डिंग ए मास स्ट्रगल, ऐसा उनका मतलब विचार है। और उसके बारे में अब ये सड़कों पे आएंगे ऐसा मुझे लगता है, तो उस समय बहुत सी बातें फिल्टर होके भी आएंगी। लेकिन इसके पहले भी देखिए, एडमिरल रामदास वगैरह ने बहुत टाइम पहले एक लेटर लिखा था सरकार को
कि भी हिंदी बेल्ट में जब आपको याद होगा बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी, उसके बाद गुजरात में भी हुई, तो वहां पे विष्णु भागवत अरोड़ा ने बहुत से लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, बीच बीच में भी उनको ज्ञापन जाते रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर ये जो चुनाव ये ईवीएम इसलिए बनाई गई थी कि बूथ कैप्चरिंग ना हो, बहुत से इसके पक्ष में थे कि भीड़ भड़ाके में वो बूथ लूट लेते हैं, बूथ छाप लेते हैं। मैं अपनी सर्विस के दौरान बिहार में रहा हूं, ड्यूटी में सेट भी रहा हूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक बात संदेह के घेरे में आ गई, पहली बात, दूसरी बात आप ये कहते हो एविडेंस लाओ, माने आई मीन जो विपक्ष के जो पक्ष में लोग हैं कि आपके पास एविडेंस क्या है, हो सकता है आज की तारीख में एविडेंस ना हो, तो अब ये इस मामले को जड़ से खत्म करने के लिए, ये तो कहीं नहीं लिखा गया था ना जब 1992 में ये कानून बनाया गया, संशोधन किया गया कि जब तक भारत एग्जिस्टेंस में है चुनाव जो है अब ईवीएम से होंगे, हम जो है बैलेट पेपर से नहीं कर सकते। हम ये बोले कि ये प्रक्रिया लंबी है। अरोड़ा साहब, आप जो कह रहे हैं आपकी सारी बातों से मैं इत्तफाक रखूं, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। मैं ये आपसे सवाल जो मेरा था, मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो फिर ईवीएम का मसला नहीं उठाती है, जहां पे चुनाव हारती है वहां पर ईवीएम का आ जाता है। अब झारखंड में तो कोई मांग करते हुए नजर नहीं आया मेरे को कि ईवीएम हटानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में तो जब आप चुनाव जीते तब आपने मांग नहीं की ईवीएम हटाओ, क्योंकि ईवीएम में घपला हो जाता है। अभी बीबी बत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो रोहतक से चुनाव जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनको मनीष ग्रोवर को उन्होंने हराया है, देखते हैं कि वो हमें बताएंगे क्या कि वहाँ पर ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीत गए क्या बत्रा साहब। ये सवाल जो है ये उठ रहे हैं और इन चीज़ों का मैं जवाब चाहता हूँ। मुझे पता है आप दिल से बात करते हैं, दिमाग से बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं, तो इसका मैं जवाब आपसे चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। जी, माइक आपका म्यूट हो गया है। हाँ, माइक म्यूट हो गया आपका। बत्रा, हाँ जी, आवाज, हाँ अब आ रही आवाज, जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि 2010 में किताबें आई थी सुब्रमण्यम स्वामी भी और जो नरसिम्हा हैं, क्या नाम, जो इनके आजकल भाजपा में ज्वाइन करके जो सेफोलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने किताब लिखी थी और उसमें क्लियर लिखा है कि ईवीएम कैन बी हैक या ऐसा। वो बुक्स अभी कहीं अवेलेबल होंगी जरूर, मेरे पास भी कहीं मेरी आधी लाइब्रेरी उधर इधर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर संदेह उठाया जा सकता है तभी ना उठाया जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी भी अगर आप विरोध में जो मर्जी उनको कहें, लेकिन कई बार बहुत बढ़िया चीजें वो लेके आते हैं। सिमिलरली एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब ये कहता है कि हमें ईवीएम पे यकीन नहीं है, अब आप कहते हो कि नहीं हमारे हिसाब से चलो, आप ये बोलो ईवीएम से ही चुनाव होंगे, हम नहीं चाहते क्योंकि हमें ईवीएम पे डाउट है। और डाउट आप कह सकते हैं कि सस्पिशन जो है किसी भी लॉजिक का स्थान नहीं ले सकता, लेकिन हमारे सस्पिशन के बहुत से कारण है। अभी डिबेट के दौरान अभी 195 कंट्री हैं, 20 कंट्री में लिमिटेड वे में ये होती है। क्या दुनिया के 170 देश जल्दी चुनाव के काउंटिंग नहीं चाहते? अब हम ये नहीं कहते, वो चाहते होंगे ना कि काउंटिंग जल्दी और रिजल्ट एक दो दिन में आ जाए, हद से हद। तो क्या वो फिर भी बैलेट वाला जो लंबा प्रोसीजर है उस पे है? क्योंकि बैलेट के अंदर में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी यू रह जाती है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल वोट है। इसके अंदर वीवीपैट लाए, बहुत से सुझाव दिए गए, वो कंटेनर में डल जाता है पर्ची निकल के। लेकिन हमने ये भी देखा, कोई ये कह रहा था कि एक वोट की बजाय दो वोट पोल हो रहे हैं, तो अफवाहों पे ऊपर ध्यान देने की बजाय। और बीजेपी अरोड़ा साहब, वो ऑप्शन तो है ही है ना, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं करनी है यहाँ पे बैठ के, लेकिन वो वाला केस रोहतक का जो है, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बीबी बत्रा साहब को, वो अभी इन्हीं चुनावों में, ये जो कांग्रेस ने चुनाव हारा इसमें हमने देखा, इसमें जो उन्होंने जो वोटों की गिनती दोबारा से करवाने की मांग की थी मनीष ग्रोवर ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, लेकिन फिर वो गिनती हुई और गिनती में वही वोट वहाँ पे निकले जो ईवीएम में पड़े थे। फिर बत्रा साहब से हम जुड़े, हमने कहा जी अब क्या वही निकले? कहते हैं हाँ जी वही निकले। लेकिन अगर वो हार जाते, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हारे हैं, कांग्रेस के भी बड़े बड़े जो धुरंधर थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र 38 वोट से हार गए,
तो ये जब हार होती है तब बयान कुछ और होता है, जीत होती है तब बयान कुछ और होता है, बस इतनी सी समस्या है जिसका मैं हल चाहता हूँ आपसे। और चीज भी कहना चाहता हूँ जी कि 28 वोट 32 वोट या हमें जब उसकी विश्वसनीयता यानी ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है इस समय, जब आपका परिवार में भी या किसी जगह भी फैक्ट्री में भी किसी इंस्ट्रूमेंट मशीन पे ट्रस्ट ना हो, आपको अपने औजारों पे ट्रस्ट ना हो, अपनी मशीनों पे ट्रस्ट ना हो, तो फिर आप उसको बदलना चाहेंगे। और हमने मैंने यही बोला कि ये लीगेसी पहले हम 1951 से लेके और 2002 तक तो करते रहे ना बैलेट पेपर से, उसके लिए आलोचना होती थी, फिर हमने उसको एवोल्यूशन की स्टेजेस होती है, विकास हुआ, मशीन ले आए। लेकिन आप ये मानिए जीपीएस से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात आप ये कहते हैं जीपीएस से जो कंट्रोल किया जाता है उस डिवाइस के अंदर एक चिप होनी चाहिए ना सर, और ये वाला बहुत बार मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मौका दिया हैक करके दिखाओ, वो जो हैकर्स आते हैं वो अपनी मशीन लेके आते हैं, ये वाली मशीन पे तो एक्सपेरिमेंट कोई कर ही नहीं पाया। साहब राजपूत साहब मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी मशीन किस विधानसभा में है वो इलेक्शन कमीशन को पता होता है, ऐसी कौन सी योजना, ऐसी कौन सी स्कीम है भाई, इसका मतलब जीपीएस ही है ना वहां पे, मेरा ख्याल जीपीएस से कंट्रोल करते हैं। जब वो जीपीएस से मशीन की एग्जिस्टेंस और लोकेशन को कवर कर सकते हैं तो क्या ये नहीं हो सकता? उसके अलावा इसमें बहुत सी चीजें हैं, बैटरी का जो है आपके, ये अगर टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान के पास है तो हमारे मोबाइल में क्यों नहीं होती कि बैटरी चार्ज रहे, बैटरी खत्म ही ना हो, यूजर्स से बैटरी का लिंक है। अब जब एक जगह पे माने 1,00,000 वोट पड़ गए और बैटरी उतनी, या एक बूथ पे 5,000 वोट पड़ गए या 2,200 वोट पड़ गए तो बैटरी यूज ही नहीं हुई, भाई ये सवाल है, संदेह है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप डॉक्यूमेंट्री, जाहिर है तभी इस मुद्दे को लेके चर्चा हो रही है, और जाहिर है जो आपकी शंका है ये वैलिड है, क्योंकि आप देश के जो हैं, जो हमारी पार्टी है विपक्ष की बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसके आप प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। अब हम सुरेंद्र भाटिया जी के पास चल रहे हैं। भाटिया साहब, आजकल भागदौड़ बहुत कर रहे हो आप, गाड़ी में घूमते रहते हो, टाइम पे नहीं पहुँचते हो, क्या चक्कर है? इतनी शिकायतें हम आप से करेंगे तो फिर कैसा चलेगा? गाड़ी में बैठ के मोबाइल चलाने लगते हो आप, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मुझे 6:15 का टाइम दिया गया था और अच्छा, मैं यही था। अच्छा, अपने ऑफिस में मैं आमतौर पर 7 बजे आता हूँ, तो मैं 6:15 के टाइम से आना था, फिर फोन आया नहीं अभी जुड़ जाओ, तो इसलिए। वैसे आपकी चिंता ठीक है, गाड़ी में बैठ के नहीं करना चाहिए और मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने देखो आपको इसीलिए टोका। अब क्योंकि विधु रावल जी लेट जुड़े हैं तो लास्ट में इनकी टिप्पणी लेंगे। आप बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं अभी लगातार अरोड़ा साहब से, ये लगातार ईवीएम पर टिप्पणी करते हैं जब किसी राज्य में ये हार जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा इससे विश्वास उठ गया हुआ, और क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और अब तो महाराष्ट्र की जो अगाड़ी इनका गठबंधन है वो भी सामने आ गया, ये कह रहे हैं हमें ट्रस्ट नहीं है इस पर। तो ट्रस्ट नहीं है तो क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है और मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो इनकी जो मांग है वो कितनी जायज है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये जो याचिका है इसमें दम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको किनारे रख दिया। उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर फिर रणदीप सुरजेवाला टिप्पणी करते हैं कि ये बात अच्छी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। एक पत्रकार के तौर पर आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हो? ऐसा मुकेश जी, वैसे ये देखो कांग्रेस पार्टी जो ये उठा रही है वो अनेक चुनावों से कांग्रेस पार्टी जब से विपक्ष में आई है तब से उठाने लगी है, और हम लाल किशन आडवाणी जी ने भी इस पे कभी प्रश्न किए थे। हमें या तो अमेरिका की तरह 2-3 ऑप्शन देने चाहिए, अमेरिका में कई तरह से वोटिंग होती है, आपको मेरे से ज्यादा विस्तार से पता होगा, और मैं तो ये कहता हूँ विपक्ष सबसे पहले अगर उसको बिल्कुल ईवीएम पे विश्वास नहीं है तो इनके जिन स्टेटों में विपक्ष का सत्ता है वो नगर पालिका और पंचायत के चुनाव जो है वो पहले करवाए। अभी पंजाब में शायद जो पंचायतों के चुनाव हुए थे वो आम आदमी पार्टी ने बैलेट पे करवाए थे, लेकिन हमारे यहाँ तो एक छोटा सा 900 मेंबरों का एक क्लब है, उसके भी ईवीएम से चुनाव हुए, बार के चुनाव भी ईवीएम से हुए, वकीलों ने भी चुनाव ईवीएम से करवाए। तो ये
कांग्रेस पार्टी जो प्रश्न उठा रही है उस प्रश्न में मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी को पहले आत्मचिंतन करना होगा वो क्यों हारे। हरियाणा में तो ये अपनी फूट की वजह से हारे और बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट से हारी, लेकिन महाराष्ट्र में जिस ढंग से हार हुई है शायद वो लाडली बहना की वजह से और कई कारण जो कुछ हुए, और झारखंड में जीत हुई है वहां भी महिलाओं के लिए इस प्रकार की कोई योजना लेके आए थे। कांग्रेस पार्टी थोड़ा ज्यादा जल्दी में है, वो पहले आत्ममंथन करे उनके अंदर क्या कमियां हैं। हरियाणा में तो बहुत सी कमियां हैं, हम उनपे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हुड्डा साहब को एक सत्र राज देना, और भारतीय जनता पार्टी जो इस बात में माहिर है वो ये साबित करने में बड़ी तेज है कि उन्होंने साबित कर दिया कि अगर जाटों का राज आएगा तो बाकी लोगों को समस्याएं होंगी। वो पुरानी वीडियो लेके आए, दीपेंद्र हुड्डा की वीडियो लेके आए और कुमारी शैलजा का मुद्दा उठाया, वर्गीकरण किया इन्होंने, जो दलित समाज में वर्गीकरण किया, ये सारे मुद्दे थे हरियाणा की हार के, तो हम सारे मुद्दों पे विश्लेषण कर सकते हैं। अब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जो हार हुई है पहले उसका वो विश्लेषण करें, मुझे नहीं लगता सीधा सीधा पहले ईवीएम पे ये ठीकरा फोड़ने वाली जो बात है कांग्रेस पार्टी को, निश्चित रूप से इससे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके पहले आत्ममंथन करे, पहले ये देखे किस कारणों से उनसे जनाधार घटा है। मैं देख रहा था भाटिया साहब, वापस आपके पास लौटूंगा, आप बने रहिए। चारों मेहमान हमारे ललित अरोड़ा जी, सुरेंद्र भाटिया जी, अनु सूरा और विदु रावल जी, एक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस पूरे के पूरे मसले से डायरेक्टली जुड़े हैं। उनका नाम है भारत भूषण बत्रा, बीबी बत्रा के नाम से जानते हो, कांग्रेस के विधायक हैं और रोहतक से जीते हैं, मनीष ग्रोवर को हरा के जीते हैं, तो उनको हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इसके बाद उनकी बातचीत के बाद फिर वापस आपके पास आएंगे। अपने सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक, समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। चक्रव्यूह में आज हम बात कर रहे हैं ईवीएम की, और ईवीएम को लेकर कांग्रेस पार्टी और इनके समर्थन करने वाली पार्टियां जैसे महाराष्ट्र की जो इनके घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि ईवीएम हमें नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। वहीं पर भाजपा और एनडीए कह रहे हैं कि ईवीएम से आपको वहां पर कोई शिकायत नहीं होती, उन प्रदेशों में कोई शिकायत नहीं होती जहां पर आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी और इनके सहयोगी दल जीत जाते हैं। जैसे झारखंड का एग्जांपल वो देते हैं, कर्नाटक का देते हैं, हिमाचल का देते हैं, जहाँ पे हार जाते हैं वो हरियाणा हो महाराष्ट्र को, वहाँ पर फिर ईवीएम खराब होती है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, बीबी बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है बत्रा साहब आपका। और आज के इस प्रोग्राम में आपको खास तौर से हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि इस मसले पर आपसे ज़्यादा प्रकाश और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ इसका सबसे बाद में जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो आपका हुआ था, और मसला वही था, चंद वोट जो थे वो आपके ज़्यादा थे और चंद वोट आपके जो प्रतिद्वंद्वी थे मनीष ग्रोवर उनके कम थे। फिर आपने ईवीएम की काउंटिंग दोबारा कराई, आपने कराई या ग्रोवर साहब ने करवाई, क्या मसला पूरा थोड़ा सा समझाइए हमें। नहीं मुकेश जी, ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई थी एक्चुअली के
वीवीआई पैड का हाँ काउंटिंग का पांच बूथ का प्रोसीजर है जी, और जनरली वो होता है कि एक आधे बूथ की काउंटिंग होती है और बाकियों को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं मार्जिन में, पर उन्होंने इंसिस्ट किया कि पांच के पांच बूथों की ईवीएम की वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए हाँ। और उसमें बहुत समय लग गया, कोई 4,000 वो पर्चियां थी एक्चुअली, और देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ दे अप्लाइड फॉर द रिकाउंटिंग बट आर ओ रिफ्यूज्ड इट, उन्होंने रीजन ऑर्डर पास किया, और क्योंकि वो पांच बूथ की हर एक वीवीपैट की पर्ची को गिनना था इसलिए उसमें समय लग गया, और उस टाइम वो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करके और ऊपर से देवर प्रिसाइजिंग द आरओ एंड अदर ऑफिसर्स आल्सो दैट लेट ही बी डिक्लेयर्ड अगेंस्ट मी वेयर एज ही वाज लूजिंग जी, भी हारे हुए कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के जीत के डिक्लेयर करने के लिए जोर लगाए जा रहे थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम लिया जा रहा था। आई एम ग्रेटफुल रिटर्निंग ऑफिसर एसटीएम हेयर हु डिड नॉट कम टू द एनी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी पॉलिटिकल प्रेशर, और उन्होंने अल्टीमेटली जो नेट रिजल्ट था उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। तो बत्रा साहब, क्योंकि आप आज की तारीख में कहें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा में कांग्रेस का प्राय हैं आज की तारीख में, उनके सबसे जो करीबी नेता हैं उनमें से एक हो, तो आप का तो ये जो रिजल्ट है ये डायरेक्ट एक एग्जांपल है, उदाहरण है कि जो जीता वही सिकंदर, और आप जीत के आए और मनीष ग्रोवर को आपने हराया, तो इसका मतलब कि जो चुनाव प्रक्रिया थी वो सही थी, अगर चुनाव प्रक्रिया में कहीं पर कुछ लूपोल होते तो आप भी नहीं जीतते, फिर मनीष ग्रोवर जीतते वहां से। ऐसी बात नहीं है, बात तो ये है कि डिफरेंट पे है कि लोगों का, मैं हिंदी में ही बोलूंगा फिर आप कहेंगे कि दर्शक हिंदी में है, तो ईवीएम के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो खत्म हो रहा है, और प्रजातंत्र के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात है इस बात के लिए, और डाउट में कि कभी थ्योरीज आती हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, कभी हम सुप्रीम कोर्ट जाती हैं वहां पूरे फैक्स नहीं दिए पूरे जाते, अब दूसरी बातें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संशय में डालती हैं। और मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ज्यादा लंबा नहीं जाके, कि हरियाणा के अंदर 39.3% वोट पोल हुआ कांग्रेस के हक में, उन्हीं लोगों से पूछो कि उनका ईवीएम पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, दे से दैट वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस ऑल्दो दे हैव कास्टेड देयर वोट। तो प्रजातंत्र के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आपको इस बारे में इतराज क्यों है, 1989 के अंदर फर्स्ट टाइम यूएसए के अंदर ईवीएम का प्रयोग किया गया था, एक एक चुनाव एग्जांपल 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 मैं आपको याद दिलाता हूं, संसद के चुनाव हुए थे और उसमें श्रोमणि अकाली दल से एक पार्टी जीती थी सिमरनजीत सिंह मान की, शायद मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, ठीक है, जीती थी बिल्कुल, पार्लियामेंट के चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव जीते थे, ठीक है, 7 या 9 संसद चुन के आए थे उनके वहां से, है ना, और संसद में कहा कि आप अंदर ये जो कटार या तलवार नहीं ले जा सकते, उन्होंने कहा नहीं ले जा सकते तो कोई चक्कर नहीं, हम तो अपनी सांसद ही छोड़ते हैं, ठीक है, और वो पार्लियामेंट में घुसे ही नहीं। अब जो चुनाव हुआ ये 2024 का, बिल्कुल आप कहें कि टक्कर इसमें थी, 39.1% आपके वोट थे और 39.8% भाजपा के वोट थे, यानी कुछ महज कुछ 39.3 है, चलो कोई बात नहीं, इट्स अ डिफरेंस लेस देन 1% जी हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, आपकी जो सीट्स थी 31 थी, 31 से आप 38 हुए, उनकी जो सीट थी वो बड़ी वो 40 से 48 हुई, है ना, आपकी भी बड़ी और उनकी भी बड़ी, और जो जो तीसरी पार्टी थी वो साफ ही हो गई जजपा। तो फिर अलग अलग लोगों से जाके कैसे पूछे हम, फिर वो जो ईवीएम पर है हम कहें कि 38 सीटों पर 37 सीटों पर तो ठीक काम किया, और जहां हार गए वहां पे ईवीएम खराब है, तो
ये चीज और फिर जो विरोध जताना है तो फिर सिमरनजीत सिंह मान वाली पार्टी की तरह जताओ कि हम मानते नहीं जी, हम तो विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि इतना बड़ा विपक्ष जो जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाती थी 240 पे आके टिक गई, और उसके बाद इतना बड़ा विपक्ष इस बात की मांग करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या एतराज है कि वाई दे डोंट गो फॉर बैलेट पेपर। वो कह रहे टाइम बड़ा लगता है इसमें। अब देखो ना, आपकी पांच मिशनों के वोट गिनने में नहीं, टाइम नहीं, सारे वर्ल्ड के अंदर 120 कंट्रीज हैं सर। राजपूत जी, 120 कंट्रीज हैं, दे डोंट गो फॉर ईवीएम एंड देयर इज जजमेंट ऑफ द जर्मन सुप्रीम जर्मनी। ईवीएम को लेकर कौन आया था? ईवीएम को लेकर कौन आया था बत्रा साहब? डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह भाजपा के तो नहीं थे, आए थे पर एक्सपीरियंस ठीक नहीं हुआ। नहीं, दैट इज ट्रू। मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ इस बात के लिए। आप ये भी साथ में जरूर कहेंगे कि जब हम हारते हैं तो हम ईवीएम पे दोष देते हैं। जो फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पे या कांग्रेस पे दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकर कौन आए थे? मनमोहन सिंह लेकर आए थे ना, वो चलो आपकी पार्टी के थे, कांग्रेस ही लेके आई थी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि कौन लाया था कौन नहीं लाया था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त जब मनमोहन सिंह ईवीएम को लेकर आए तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी उस वक्त? कुछ जो बैलेट पेपर वाला जो मसला है उसमें गलत हो रहा होगा, इस करके लेके आए थे वो? क्यों लाए थे? ऐसे है कि मनमोहन सिंह डॉक्टर के टाइम में लोगों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एक विश्वास था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक संदेह के प्रीति के अंदर आ चुका है जी। हाँ, आप देखो इलेक्शन कमीशन की कॉमन सेंस देखो कि ये डेटे बढ़ा देते हैं जब ये फैसला करते हैं, इनको पता नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिटिंग हियर व्हेन ही डजंट नो दैट व्हेन पोल्स आर टू बी डन आर नॉट टू बी डन। दे एक्सटेंड द 4 days। Similarly, now in both the states, so far Maharashtra and Jharkhand is concerned, they have extended that. वो जो ये वाले जो आपके आरोप हैं, ये आपका आरोप और ये जो गुस्सा है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर इलेक्शन कमीशन पर उस वक्त भरोसा था, आज भरोसा नहीं है, तो वो भरोसे को आजमाने के लिए तो बैलेट पेपर से ईवीएम पे नहीं आ गए होंगे ना। कोई ना कुछ कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। वो वजह क्या है अगर आपको पता हो तो साझा कीजिए हमारे साथ। एक 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 छोटी छोटी छोटा सा रीजन बताता हूँ जी। छोटा सा रीजन आपको बताता हूँ। एक बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स और चेयरमैन होंगे, हाँ जी, उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बैठेगा। जजमेंट के अंदर आता है व्हाई वी डोंट फॉलो द सुप्रीम कोर्ट एंड व्हाई द देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोसेस का नोटिफिकेशन आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जज का नाम उठा देते हैं। इट मीन्स वी डोंट हैव ए फेथ इन द ट्रांसपेरेंसी एंड फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द हार्म इफ सुप्रीम कोर्ट जज सिट्स व्हेन एनी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज बीइंग अपॉइंटेड और चेयरमैन इज बीइंग अपॉइंटेड। चलिए एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जिस तरीके से अभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ आप लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी का, महाअघाड़ी पार्टी का और आपके जो घटक दल हैं, तो आने वाले समय में क्या जो आपकी पार्टी है ये क्या इस एक्सट्रीम तक जा सकती है कि अगर ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं तो आपकी पार्टी या जो आपकी सहयोगी पार्टी हैं या आपकी विचारधारा से मिलती जुलती जो पार्टी हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना लेकर अपना विरोध जताएं? क्या ये पॉसिबिलिटी है? एक वो करना होता है, इस लड़ाई को डेफिनेटली लड़ेंगे, लोगों में जाकर लड़ेंगे इस बात के लिए। और ईवीएम पे चुनाव क्या जरूरी है? वेयर इट हैज बीन रिटन दैट चुनाव ईवीएम के द्वारा ही होंगे? व्हाई गवर्नमेंट डोंट चेंज द डिसीजन व्हेन मेजोरिटी ऑफ द अपोजिशन मे बी 30% मे बी 40% एंड मे इवन मोर देन 40% यू कैन से पीपल वॉन्ट।
जिन लोगों ने हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए 39.1% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला, उनसे जाके पूछिए कि वो ईवीएम पे विश्वास करते कि नहीं करते। अगर वो कहेंगे हम नहीं करते तो ईवीएम पे चुनाव क्यों करवाया जाता। इस तर्क से मतलब बहुत वरिष्ठ है, बहुत सम्माननीय है, लेकिन इस वाले तर्क से मैं आप कि सहमत नहीं हूँ कि जिन 39% लोगों ने आपको वोट डाला, जिन 39% लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला और बाकी जो 68% ये हो गए तकरीबन, और बाकी जो बचे 22% उन्होंने ईवीएम से वोट क्यों अगर वो ईवीएम पर विश्वास नहीं करते तो वोट डालने ही नहीं जाते, फिर वोट डालने गए क्यों? वोट डालने नहीं, प्रजातंत्र में प्रजातंत्र इलेक्शन का वो तो चाहेंगे कि इलेक्शन का बहिष्कार करें, वो तो एक डिक्टेटरशिप। चलिए ठीक है, आपके अपने तर्क हैं और जाहिर है कि आपके तर्क पर सवाल करके अंदर की बात निकालने मेरी ड्यूटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर डाउट क्रिएट हो जी, यहाँ पर मैं आखिरी कंक्लूड कर बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर डाउट हो, जहाँ सिस्टम में फॉल्ट सामने नजर आते हो, जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के साथ ईवीएम को हैक किया जा सकता हो, उस इतने डाउट में प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। अगर लोगों का कॉन्फिडेंस शेक होता है, लोग उस कॉन्फिडेंस से अपने आप को महसूस करते हैं, ठगा महसूस करते हैं, तो मेरे हिसाब से प्रजातंत्र के अंदर कोई छोटी भी आवाज उठती है उसको पूरा करने के लिए उसको ये कहे पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, हाउ द अमाउंट की सरकार कितने कितने घपले होते हैं, कितने कितने घोटाले होते हैं, कितने कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने कितने इवेंट मैनेजमेंट पे खर्च होते हैं, कभी इनकी इंफॉर्मेशन आप लीजिए ना मुकेश जी, तो पता लगेगा कि इनके इवेंट मैनेजमेंट में सारे पैसे और सारा बजट और जहां तक कहते हैं आज तक जो जिस देश की 15% जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए थी वो 7% तक लटकती रहती है, कभी 4% आके लटक जाती है, देश की तरक्की कोई देखता नहीं है। इस विषय पे बत्रा साहब 70% बीपीएल फैमिली, इस विषय पर दोबारा से 70% बीपीएल फैमिली, ये जो बीपीएल गरीबी बढ़ने वाले आंकड़े, जीडीपी आपके हिसाब से बढ़ रही है, भाजपा के हिसाब से जो देश है वो टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच गया, ये लंबा विषय है, तो आज ईवीएम वाले मनमोहन सिंह के टाइम में ईवीएम वाली जो चर्चा है इसमें अगर बीच में इसको घुसा देंगे तो फिर वो दोनों ही चर्चा पूरी नहीं हो पाएंगे, अधूरी रह जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बट पर ईवीएम के ऊपर लोगों का जब डाउट है बिल्कुल इसी मसले को लेकर चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी बत्रा साहब का ये मानना है कि अगर ईवीएम को लेकर कुछ लोगों के जहन में या कुछ पार्टियों के जहन में शक है तो इस शक को दूर करने के लिए सरकार को चाहिए कि बैलेट पेपर पर दोबारा लौटें, और इसको लेकर वो अलग अलग तर्क भी देते रहे अपने हिसाब से और उन्हीं तर्कों पर हम सवालात भी करते रहे। वापस चर्चा में लौटते हैं और हमारे प्रवक्ता हमारे साथ हैं अनु सूरा, आपकी पार्टी का क्या रुख है जी ईवीएम को लेकर? मुकेश जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इनेलो भी बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में है और ईवीएम से चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना नहीं है कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए। कांग्रेस हारी अपनी फूट की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से। कांग्रेस की बात कांग्रेस से कर लेंगे मैडम, वो क्योंकि आपकी पार्टी ने भी बहुत जबरदस्त कोई जबरदस्त काम नहीं किया, आपके जो सबसे बड़े नेता थे हमारे मित्र अभय चौटाला ही हार गए, वहां तो फूट भी नहीं थी कोई, वो क्यों हार गए फिर? नहीं, हम तो कांग्रेस पे टीका टिप्पणी आप मत कीजिए ना। नहीं, कांग्रेस मुद्दा उठा रही है ना, तो किस पे करे टिप्पणी? फिर आप एक साइड ले लीजिए, या तो कांग्रेस की साइड। कांग्रेस उठा रही है तो टीका टिप्पणी भाजपा पे करूं? नहीं, मुद्दा कांग्रेस उठा रही है तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगा ना। कांग्रेस के अभी हमने बीबी बत्रा को जोड़ रखा था, हमने अरोड़ा को जोड़ रखा है, ललित अरोड़ा जी, आपकी पार्टी की लाइन इस वक्त जो चर्चा हो रही है अनुसूरा आप सुनिए, इस वक्त चर्चा हो रही है कि ईवीएम के आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, ठीक है, तो अब वो कांग्रेस क्यों हार गई ये नहीं है चर्चा। मैं आपकी पार्टी की लाइन चाहता हूं कि आपकी पार्टी क्या चाहती है कि आने वाले जो चुनाव हैं वो
ईवीएम पर हो या बैलेट पेपर पे हो, इस पर टिप्पणी कीजिए। बिल्कुल, नो डाउट बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, हम बैलेट पेपर के पक्ष में हैं। जी, आगे आप एक्सप्लेन कर सकती हैं क्यों? हाँ, तो मैं वो ही तो कर रही थी, और उसके लिए दूसरी पार्टियों का नाम लेना पड़ेगा। अच्छा, लीजिए। अभी अभी जो नतीजे आए हैं विभिन्न प्रदेशों में, उसके पीछे कारण सिर्फ ईवीएम नहीं है, उसके पीछे कारण विपक्ष की नाकामी भी है और विपक्ष की एकजुटता की कमी भी है। अभी जो कोर्ट तक पहुंची है एक विपक्षी पार्टी और कह रही है कि कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो हम आंदोलन करेंगे। क्या आप आंदोलन के अंदर जो 60-65% वोटर जो बीजेपी के विपक्ष में के विरोध में वोट डालता है, आप उसको इकट्ठा करने में सक्षम हैं? आप उसको तो बाद में इकट्ठा करिएगा, पहले आप अपनी ही पार्टी के लोगों को तो नेताओं को तो इकट्ठा करिए। बात तो यही है ना कि विपक्ष की कमजोरी का फायदा भाजपा उठा रही है, और इन्होंने बहुत आसानी से कह दिया कि हम आंदोलन खड़ा करेंगे। आंदोलन खड़ा करने के लिए पहले जनता का विश्वास इकट्ठा करना पड़ता है, जनमत इकट्ठा करना पड़ता है। आप अपनी पार्टी का बिखराव तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, विपक्ष की आपके अंदर अहंकार इतना है कि आप क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलने में सक्षम है नहीं, आपका अहंकार आड़े आता। अच्छा, है आप लोग क्या इनके साथ चलने को तैयार थे? जी जी बिल्कुल, कोई भी जनता से जुड़ा मुद्दा होगा गंभीर। आज के टाइम में बड़ी चिंता की बात है। अब आपके दो विधायक हैं वहां पे विपक्ष में बैठे हैं, तो क्या वो माने कि कितने? अरोड़ा साहब आपके 37 हैं, 38 हैं, मेरे दिमाग से निकल गया थोड़ा। माइक, हाँ जी, 37, तो 39 मान के चलें। अब फिर दो अनुसूरा जी की पार्टी के भी हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ना कि विपक्ष में बैठे हैं, तो विपक्ष का मतलब ही यही होता है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ अगर कोई चीज ऐसी है जो उनको अपील करेगी उसमें शामिल है, उन्होंने कहा तो है। ये अलग बात है कि वो अगर हमारे गठबंधन में शामिल होते या किया जाता, जो भी वर्ड कहिए, तो बहुत बढ़िया रहता चुनाव में। जी चलिए, अब सत्ता पक्ष के पास जा रहे हैं अनुसूरा जी, विदुर रावल साहब के पास, आज जो तमाम हमारे साथ जुड़े प्रतिभागी, उसमें बीबी बत्रा साहब भी हैं, तो जो सवालात थे वो मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन अब इन सवालात के उल्ट जो सवालात हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। जब बार बार विपक्ष कह रहा है कि भैया हमें ईवीएम नहीं चाहिए, ईवीएम नहीं चाहिए, हम आज की तारीख में कमज़ोर ही सही, आज की तारीख में भाजपा और इनका जो NDA गठबंधन है वो मजबूत सही, लेकिन चुनाव आप बैलेट पेपर से करवा लो तो करवा लो, फिर क्यों नहीं करवा रहे हो? मुकेश जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते। देखिए 40 मिनट हो गए डिबेट के और एक ही प्रकार का संगीत हम सुन रहे हैं। अब मैं बिल्कुल अलग संगीत देने वाला हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी के बच्चे जो 15 मिनट है आप मुझे दे दीजिए। अच्छा, पूरा आप ही सवाल पूछिए। चलिए ठीक है। अच्छा, सारे 15 मिनट आप ही लोगे? नहीं, सारे 40 मिनट अभी एक ही तरह की बात हुई है। अच्छा, और ये बड़ी घातक बात हुई है। ये इस देश के लोकतंत्र से विश्वास कम करने के लिए कुछ लोगों ने, निजी स्वार्थ है, और स्वार्थ क्या है वो भी बताऊंगा मैं। उस कारण से ये पूरी की पूरी डिबेट, यानी दर्शक का मन में लोकतंत्र, कल ही तो लोकतंत्र का दिवस मनाया ना, उसके प्रति कम लोकतंत्र कमतर तो नहीं हमें करना चाहिए। चलिए मैं एक के बाद एक पॉइंट दूंगा। जी देखिए, सबसे पहली बात तो किसी, हमने गाड़ी में किसी ड्राइवर को रखा और ड्राइवर जो है उसको गाड़ी चलानी ना आई, वो कभी दाएं ठोके कभी बाएं ठोके, और फिर गाड़ी से उतर के कहे जी सड़क को खुदवा दो, इसको वापस कच्चा सड़क बना दो, पक्की सड़क तो ठीक नहीं है, ये गाड़ी ठोकने के काम आती है। ये इसी प्रकार का एक वाहियात तर्क है। दूसरी बात जो है, लगातार जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से, और हरियाणा के संदर्भ में कहें तो कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, दोनों पर से जनता का विश्वास उठ गया, इस कारण से ये लोकतंत्र ही कमजोर हो जाए। यानी इफ यू कैंट विन इट स्पॉइल इट, यानी आप जो है अगर सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते तो अराजकता कर दीजिए हर प्रकार की। ये ठीक वही प्रयास है, और मैं पॉइंट दर पॉइंट जो है इसका अभी मैं पटाक्षेप कर सकता हूं। मैं सुन रहा था, वरिष्ठ नेता है बीबी बत्रा, वेल रेड है, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा, पहले तो उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव पर ही आ जाए, उन्होंने कहा कि ईवीएम पर से लोगों का कॉन्फिडेंस घट रहा है। अब मेरे कहने से इस ईवीएम की बजाय रिप्लेस कर दो कांग्रेस को,
कांग्रेस पर से जनता का विश्वास घट रहा है और यह चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं, हर प्रकार से देख रहे हैं। और उसके कारण मुझे नहीं लगता इतनी डिबेट सक्षम होगी। जब आप कहेंगे कि हम जीतेंगे अपना घर भर लेंगे, जब आप खुले तौर पर जातिवाद का नंगा नाच करने लग जाएंगे, जब आप कहेंगे 50 वोट के बदले हमें जो है नौकरी देंगे, पर्ची खर्च वाले, आपसे गुजारिश है कि जो ईवीएम के प्लस पॉइंट है जो आपको लगते हैं जिसकी वजह सर मैं अपना केस रखूंगा। आप मेरे को 15 मिनट बाद जज कर लीजिएगा कि मैंने अपना केस ठीक रखा है। 15 मिनट लगातार आपको नहीं मिलेंगे, 8 मिनट बचे, 10 मिनट वक्ताओं के पास, 40 मिनट सर। आप सर फिर आप केवल आप लेट आए ना सर, आप लेट आए। नहीं नहीं सर, मैं लेट नहीं आया। चलो आप टाइम वेस्ट नहीं करो सर, आप पॉइंट वाइज बताओ। तो सर मेरा, अगर मेरा केस पूरा नहीं होगा, ये सबने अपनी बात रख ली, मुझे एकदम सर टाइम चल रहा है ना, ये टीवी है ना, गेम क्लियर हो जाए सर। मैं अभी रुक जाता हूँ, अगर आधा केस मेरा रखवाना तो कोई लाभ नहीं है। तो उसके बाद मुझे जज कर लीजिएगा मेरा केस ठीक था नहीं था। चलिए ध्यान से सुनिए, देखिए तो कॉन्फिडेंस तो ईवीएम से शेक हुआ है और ये सारा जो ड्रामा किया जा रहा है इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का, वो इसलिए है ताकि लोग अपने पदों पर बने रहे, उनके पद सवाल पर ना आए, राहुल गांधी पर कोई सवाल ना कर पाए कि 89 चुनाव क्यों हार गए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर कोई चुनाव ना कर पाए कि सब कुछ ठीक था, आप इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ रहे थे और लोकसभा में भी ठीक ठाक रिजल्ट आपके हिसाब से आ गया था, फिर इतने पीछे कैसे आ गए। तो अब ये क्या हो गया, इसलिए ईवीएम को बदनाम कर दो। फिर वो आपने एक एक्सपेरिमेंट ऑफ हैकिंग की बात कही थी, 20 मई 2017, आज से 7 साल, 7.5 साल पहले 20 मई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने देश के अंदर जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टी हैं सबको लेटर लिखकर और 20 मई को एक प्रेस रिलीज कर आप सबके चैनल्स पर रन हुआ था, 15 दिन बाद की एक डेट दी, 3 और 4 जून 2017, उनको कहा 15 दिन का समय, दुनिया से जितना बड़े बड़ा 30 मार खाए कोई हैकर उसको ढूंढ लाओ और हैक करके दिखाओ, 2 दिन का समय देते हैं आपको, 2 दिन का। साहब कोई एक हैकर आया ही नहीं, कोई एक पार्टी आई ही नहीं, जो इतने चिल्ला चिल्ला के यहां पर नैरेटिव गढ़ते हैं उनमें से कोई पार्टी नहीं आई। अभी एक और बात कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी को बड़ा विश्वास था इलेक्शन कमीशन पर, मैं बता देता हूं मनमोहन सिंह के समय के इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस के समय किस प्रकार के इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, हालांकि देव ऑल बीन गुड, हम अब उनके रिटायरमेंट के बारे में इतना नहीं उनको पूरे देना चाहिए था। TN सेशन जो कांग्रेस द्वारा जिन्हें इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, 5 साल तक इलेक्शन कमिश्नर रहे, द डे ही रिटायर्ड उसके 1 महीने बाद श्री लाल कृष्ण अडवाणी के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट बनकर लोकसभा के उम्मीदवार बनकर उतरे, ये इतिहास की बात है। डॉक्टर MS गिल जिन्हें कांग्रेस ने अपॉइंट किया था, वो डॉक्टर MS गिल इलेक्शन ऐसे एग्जांपल भाजपा में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नहीं नहीं ऐसे ना, हल्का मत कीजिए सर मुकेश जी, हल्का मत कीजिए सर। विदु जी आपसे सुनो नहीं मिलेंगे उदाहरण, नहीं मिलेंगे, सुनिए ना बात। अब आप थोड़ी ना ड्राइव करेंगे इसको, अब बाकी गेस्ट भी बैठे ना, वो भी वेट कर रहे हैं। बात तो सर, बात तो एक मिनट थोड़ी सी और दे दीजिए। अच्छा ईवीएम की बात कर रहा हूँ, आप अलग उन्होंने ईवीएम को ही बात किया। नहीं नहीं मुकेश जी प्लीज डोंट जज मी, प्लीज डोंट जज मी। अरे ऐसे नहीं होता विदु जी, फिर आप वही बात करते हैं ना, आप जिद करने लगते हैं। नहीं नहीं मुकेश जी प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, उन्होंने भी तो कहा इलेक्शन। 2 ही मिनट बचे हैं मेरे पास, बाकी प्रवक्ताओं के पास नहीं जाऊं मैं। आप जी जा चुके हैं, आप सबके पास हैं, सबके बाद आए मेरे पास। हाँ तो आए तो आपके भी 2 नेताओं को निमंत्रण दिया था हमने, इसमें किरण चौधरी को भी हमने बोला था जुड़ने के लिए, जेपी दलाल को भी बोला था। आप जैसे बाकी प्रवक्ता बैठे हैं वैसे आप बैठो। मुकेश जी इतनी देर में बात पूरी कर लूंगा, प्लीज मुझे 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए। जो MS गिल है, जिस दिन वो रिटायर हुए उसके 2 महीने में लगातार उनको 2 बार राज्यसभा का सांसद बनाया, ऐसे तो इलेक्शन कमिश्नर थे। एक नवीन चावला को जिद करके मनमोहन सिंह जी ने 2005 में इलेक्शन कमिश्नर बनाया, उनके खिलाफ हमने पेटिशन दी थी, एमरजेंसी में JC कमीशन की जो रिपोर्ट है उनमें इनको इंडाइट किया था, लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ, लेकिन उनको नहीं हटाया। जब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने वाले थे तो खुद उनके जो सीनियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने शिकायत दी कि यह आदमी अंदर बैठकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट्स लीक करता है, इसको मत बनाइए,
उसके बावजूद भी उसको बनाया, एक के बाद एक देश के चीफ जस्टिस जो हैं, जिनको ये बहुत अच्छा बताते रहे हैं, अभी अभी हमने डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में सुना ना, उन्होंने कहा मैं विपक्ष का रोल लेने के लिए नहीं बैठा हूं चीफ जस्टिस, मैं न्याय करने के लिए बैठा हूं। उससे पिछले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, उनको भी लेकर बड़े खुश खुश होते थे, उनके जाने के बाद भी कहा। इसी प्रकार जस्टिस मिश्रा के बारे में लोगों ने क्या कहा। आखिरी कमेंट जो है मैं कांग्रेस प्रवक्ता से लेने जा रहा हूँ। अरोड़ा साहब 30 सेकंड है आपके पास, और जाहिर है कि जब किसी पार्टी के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो मंत्री हैं या पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, तो प्रवक्ताओं का टाइम उसमें से कटता है, और जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये वाला जो केस था, ये क्योंकि डायरेक्टली बीबी बत्रा के साथ जुड़ा था, आखिरी कमेंट आपसे, 30 सेकंड है आपके पास, तो गुजारिश ना करनी पड़े, आप खुद ही समाप्त कर दें जी। लोकतंत्र में विश्वास बहाल करने के लिए पेपर बैलेट की वापसी की मांग विपक्ष की है या हमारी है, और विपक्षी नेता चुनाव सुनिए सुनिए ना, चुनाव प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे मानस पटल पे पड़ा है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि लास्ट लाइन बोल रहा हूं, ईवीएम में एक ईवीएम ए प्लेस से बी प्लेस पे गई तो उसका डाटा कैसे इरेज होता है, पिछले जो 3840 के लगभग वोट होते हैं एक ईवीएम में, तो डाटा इरेज करके अगली विधानसभा में फ्रेश जाता है, वो डाटा डिलीट हो सकता है ना, उसको एडिट किया जा सकता है ना, ये कई चीजें होती हैं। जरूरी नहीं कि सत्ताधारी दल जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम भी कहीं गलत हो सकते हैं। तो जब हम विपक्ष में है और हमने ये मांग की है कि बैलेट पेपर से चुनाव हम चाहते हैं, तो हमारी मांग हमारे हिसाब से जायज है और हम जनता के सामने जाएंगे। इसमें किसी को चिंता है तो करे, हमें चिंता है कि बैलेट से। बिल्कुल, आप विपक्षी पार्टी हैं और मांग करने का आपका पूरा अधिकार है, और लोकतंत्र में कोई कुछ भी मांग कर सकता है, और जाहिर है उसके लिए बहुत सारी प्रशासनिक बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सूरज जी, आखिरी कमेंट आपका। कहूंगी कि अक्सर कहा जाता है कि गिनती में देरी हो जाती है अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, गिनती में देरी से ज्यादा जरूरी है जनता की संतुष्टि, ये बात सरकार को समझनी चाहिए। और जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईवीएम का कोई कसूर नहीं है, कांग्रेस तो अन्य कारणों से हारती है, कांग्रेस है या कोई भी विपक्षी पार्टी है, तो मैं भाजपा को ये चाहिए कि वो ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए और फिर जीत के जनता में ये संदेश दे कि देखिए हमने ईवीएम को हटा दिया, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है और फिर भाजपा जीत रही है किसी राज्य में या केंद्र में, तब हम मानेंगे। उसको कहते हैं विश्वास बहाली, वो विश्वास बहाली करे ना सरकार। भाटिया जी, पीछे जी, भागती क्यों है? मैडम सूरा, समय कम है, माफी मैं आपसे चाहता हूँ जी। भाटिया जी, मुकेश जी जो बात विपक्ष उठा रहा है, वैसे तो मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं हूँ, फिर भी पूरे देश की कोई ना कोई विशेषज्ञों की कमेटी बना के उसमें सभी राजनीतिक दल करके इस पे रिवाइव करने में और रिविजन करने में कोई डर नहीं है। कम से कम विश्वास, जनता का विश्वास ना उठे इस लोकतंत्र से, वो साबित करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है जी। आपका जो क्लोजिंग कमेंट है अच्छा है, और इसी पे क्लोजिंग कमेंट राहुल साहब के पास ले रहा हूँ। राहुल साहब 30 सेकंड है, 30 सेकंड में खत्म कीजिएगा। कंडीशनल कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू नहीं चल सकता। हिमाचल प्रदेश में आपने सरकार बनाई है, अपनी सरकार बर्खास्त करके डिमांड कीजिए इलेक्शन कमीशन से कि बैलेट पर वोट करवाएं, इलेक्शन कमीशन ऐसा डिसाइड करता है तो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। दूसरी बात, सीधा सीधा जो है ये होता था जब बैलेट से वोट डलती थी, ये सोनिया गांधी, राजेश खन्ना और स्वर्गीय राजीव गांधी जी इकट्ठे चुनाव में वोट डालते थे, इसी प्रकार से बैलेट लूटी करते थे। यही व्यवस्था वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि बिना बैलेट को लूटे ये चुनाव नहीं जीत सकते, ईवीएम से नहीं जीत सकते। इसीलिए दूसरा, इरेज नहीं होता है डाटा, 10 साल तक प्रिजर्व होता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार इनकी पेटिशंस को रिजेक्ट कर रहा है, कोई कारण नहीं इस प्रकार की चर्चाएं चलाने का, नैरेटिव गलत करने का, और इलेक्शन के प्रति और इलेक्शनरिंग प्रोसेस के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति देश की प्रदेश की जनता के बीच में सिनिसिज्म यानी अविश्वास जो है आगे बढ़ाने का, मुझे लगता है लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और केवल क्योंकि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे, आपकी हरकतें ऐसी हैं, आपकी नीतियां ऐसी हैं, आपका नेतृत्व इतना कमजोर है, इसका जो ठीक रहा है ईवीएम पे मत फोड़िए, इस डिबेट को तुरंत इस प्रकार से बंद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट,
इनकी याचिकाएं फाड़ फाड़ कर फेंक चुका है, पहले दिन ही फाड़ दी थी कल वाली तो, और उनसे पूछा था आपको ये ब्रह्म ज्ञान कैसे, फाड़ना इज नॉट अ राइट वर्ड, और वो भी आप जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर, रिटोरिक है वो, रिटोरिक है वो, विदु रावल इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते कि वो फाड़ दिया, या वो फाड़ने वाले भी लोग हैं अलग से, वो उनके बारे में जो लोकतंत्र पे विश्वास करे वो फाड़ने लायक ही है। हाँ, वो फाड़ने वाला जो है वो ठीक नहीं है शब्द, और कोई भी फाड़ के फेंकता है, एक बड़े नेता उन्होंने फाड़ के फेंका भी था, उसके भी हमने विरोध किया था, तो आपके शब्द का भी विरोध कर रहे हैं। बहरहाल अब चक्रव्यूह को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए, क्योंकि चक्रव्यूह के बाद भी न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हरियाणा हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ।